हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डेली किचन में। आज हम बना रहे हैं गाजर का हलवा। उसके लिए हमने 1 किलो गाजर लिए, इसको धोकर कीस लिया है हमने इस तरह से, और आधा लीटर दूध लिया है, और 250 ग्राम शक्कर, 2 इलायची, 200 ग्राम मावा, 100 ग्राम घी, और ये बादाम, काजू और ये पिस्ता, ये हम गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। ये देखिए, गैस पे हमने पतीला रख दिया। अब पतीले में हम दूध डालेंगे। पहले गैस चालू किया हमने, मीडियम फ्लेम पे हमारा गैस। अभी अब दूध में उबाल आने देते हैं। ये दूध में उबाल आ चुका है हमारे। अब हम गाजर डाल देंगे इसके अंदर, मिला देंगे। ये हमने मिला लिया है देखिए दूध में। अब हम दूध को सूख जाने तक इसको पका लेंगे। गाजर हमारी गल जाना चाहिए दूध के अंदर ही। मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। तो 20 मिनट लगा है। हम इसके अंदर शक्कर डालेंगे, और इलायची हमने इस तरह से इसके अंदर फोड़ दिए, तोड़ के डालिए। शक्कर का भी पानी, शक्कर का पानी सूखने तक इसको पकने देंगे हम। ये देखिए, शक्कर का पानी सूख चुका है। फुल फ्लेम पे ही हमने पानी को सुखाया है। अभी थोड़ा सा पानी है अंदर, सुखा देंगे हम उसको भी। अभी घी डालते हैं इसके अंदर। ये घी डालने के बाद हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसके अंदर मावा डालेंगे, थोड़ा सा बचा लेंगे, गार्निशिंग में डालेंगे थोड़ा। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। थोड़े से ड्राई फ्रूट डालेंगे। अब ये गाजर का हलवा हमारा तैयार हो चुका है। देखिए, पूरा पानी सूख चुका है। हमने फुल फ्लेम पे ही पूरा पानी को सूखने दिया है। अब ये हलवा हमारा तैयार हो चुका है। अभी हम गैस बंद कर देंगे और आपको सर्व करके दिखाएंगे। ये लीजिए, बनकर तैयार है गाजर का हलवा। आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए फ्रेंड्स। ये खाने में बहुत बहुत टेस्टी लगता है। और मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मुझे कमेंट करके बताइए मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगती है।